का कर रहा था मैं वेट, वो बोर्ड आ चुका है। हरिद्वार यहाँ से है 145 किलोमीटर और मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, गुड न्यूज़ है। तो ये जो रोड है सीधा हरिद्वार जाएगा, कहीं मुन्ना नहीं है, स्ट्रेट रोड। और सिग्नलरी भी आज काफ़ी अच्छी तरह से साथ दे रही है, क्योंकि आज जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी मतलब अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो आज हो गया थोड़ा मुझे लेट और मैं निकला 9 बजे, क्योंकि आज थोड़ा मौसम अच्छा था और रात को वीडियो बनाने में 2 बज गए थे, तो सुबह मॉर्निंग में मैं लेट उठा। और वैसे भी अभी नज़दीक आ ही चुका है तो सोचा थोड़ा लेट उठूँगा आज, और काफ़ी अच्छा रहा कल का दिन। सब कुछ सामना करने के बाद फाइनली मैं पहुंचने आ गया हूं हरिद्वार की ओर। बस कुछ पल की देरी और फिर मैं देवभूमि हरिद्वार में होऊंगा। मैं बामनोली बागपत में और काफ़ी विशाल मंदिर है, तो आपको मैं दिखाता हूं ये मंदिर। जंगलों के बीचों बनाया हुआ मंदिर, काफ़ी अंदर से जंगल और बीच में हनुमान जी का मंदिर। एक बार आप ज़रूर आए और मंदिर की ज़रूर मुलाकात करें, काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। तो आप जब भी यहाँ पर आते हो तो श्री हनुमान धाम बामनोली बागपत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके जब भी आप हरिद्वार जाते हो तो बीच में ये मंदिर पड़ता है। आप किसी से भी पूछोगे बागपत में बामनोली हनुमान धाम कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर ले आएंगे। तो ये है मंदिर की एंट्री। तो ये मंदिर का कुछ अंदर का ऐसा परिसर है जो रूम बनाया हुआ है, मैंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और ये है यहाँ का श्री हनुमान धाम, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। फिलहाल मंदिर बंद हो चुका है, फिर भी मैं बाहर से वीडियो ले रहा हूँ। और ये हनुमान जी की है मूर्ति। तो आपने देखा, तो हम चलते हैं अंदर की तरफ जहाँ पर पूरी हनुमान वाटिका बनाई हुई है और पूरा जंगल जैसा यहाँ पे माहौल दिया हुआ है। ऐसा ही लगेगा आप किसी जंगल में आए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ का मौसम, ऐसे ही फील होगा कि आप किसी जंगल के अंदर घूम रहे हो। और सच्ची में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह प्रकृति की देन है। और यहाँ से बोर है जो पानी आ रहा है, जो पक्षियों के लिए सबको पीने के लिए पानी यहाँ पे रखा हुआ है। और काफ़ी नीचे की तरफ भी है, बट मैं नीचे नहीं जा सकता। यहाँ से पूरा पानी पक्षियों के लिए प्लस पेड़ पौधों में सब जगह पानी जाता है। और यहाँ पे पूरा पानी बिछा हुआ है, इसलिए मैं अभी आगे की ओर तो नहीं जा पाऊँगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पर शांति से बैठने की और काफ़ी कुछ मज़ा ही कुछ और है। ये पूरी हनुमान वाटिका है। तो आप सबने देखा यहाँ की हनुमान वाटिका, काफी जंगल जैसा माहौल दिया हुआ, ऐसा लग रहा है कि हम जंगल के अंदर है। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हनुमान वाटिका बनाई हुई है, आप देख रहे हो।
और यहाँ का जो व्यू है आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर करना। सच्ची में बहुत ही शानदार व्यू है। जहाँ देखो वहाँ मतलब पेड़ ही पेड़ है और भगवान शंकर की मूर्ति शिव शंभु भोलेनाथ। तो आपने देखा यहाँ के हनुमान जी का मंदिर और आसपास का व्यू जो उन्होंने खुद ही जंगल की तरह पूरा खड़ा किया हुआ है। और यहाँ पर एक शनिदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, ओम सम शनिश्वराय नमः। और ये शनिदेव जी का मंदिर आप देख सकते हो, शनिदेव जी का मंदिर। और ये काफी पुराना मंदिर है कृष्ण और राधा का। तो ये है मंदिर की साइड जहाँ महाराज रहते हैं, वहाँ का उनका घर से आते हैं तो वहाँ पे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। और सब जगह रामायण के कुछ अच्छे वर्ड, कुछ अच्छी वाणी, कुछ अच्छा ज्ञान, सब कुछ यहाँ पे हर दीवारों पर लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। जंगल के बीच में बना हुआ मंदिर आप ऐसा कह भी सकते हैं। और काफी अच्छा सा वातावरण यहाँ पर, ठंडक, शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध श्वास लेने वाली जगह बताओ तो एक बार यहाँ पे जरूर आए और मंदिर की मुलाकात जरूर ले। तो ये यहाँ का है शिव मंदिर और शिवलिंग की पूजा यहाँ होती है और काफी स्वच्छता के साथ और काफी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। वो है मंदिर का द्वार। मैं वहां से जा रहा था तो मुझे रास्ते में से ये द्वार दिखा और बड़ा मंदिर की बड़ी ध्वजा दिखी तो मैं यहां से निकला। तो आप देख सकते हो ये जो रोड है मंदिर के बाहर से ही जाएगा। अगर आप कभी आते हो तो मंदिर के बाहर से ही ये जो गेट दिखता है और गेट के बाहर से ही गाड़ी जाएगी आपकी, तो आप यहाँ पर एक बार आओ और सच्ची में बहुत अच्छा है। फाइनली आज मैं होल्ड कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर के एक मंदिर में, छोटा सा शिव मंदिर है, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर में है, आसपास के इलाके में था नगर पालिका का इलेक्शन, जिसकी सबसे पूरा एरिया यहाँ के गवर्नमेंट ने बंद रखा का, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे एरिया बंद रखते, जिस टाइम पे यहाँ पे इलेक्शन होता है उस टाइम पे पूरा एरिया बंद होता है। तो सारे होटल, सारी जितने भी जो रेस्टोरेंट सब बंद थे। तो जैसे तैसे करके मैं आ गया, मुजफ्फरनगर से थोड़े आगे एक शिव मंदिर था तो यहाँ पे मुझे महाराज जी ने जगह दे दी और आज मैंने स्टे किया एक शिव मंदिर में। आज मेरा स्टे है, आज का जो मेरा नाइट होल्ड होएगा शिव मंदिर, और मॉर्निंग में जल्दी से मैं ऐसे निकल जाऊँगा बिकॉज आज मुझे खाली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इलेक्शन की वजह से सारा आसपास का एरिया बंद था, पब्लिक सारी सड़कों पे थी और बस वही। तो थोड़ा सा मन में ऐसा था यार कहाँ फंस गया, बट गॉड गिफ्ट मुझे रास्ते भी मिल गए और मैं आगे निकल भी गया। तो मिलते हैं मॉर्निंग के वीडियो में। और अभी मुजफ्फरनगर से अभी जहाँ मैं मंदिर पे खड़ा हूँ वहाँ से हरिद्वार है 74 किलोमीटर, और आज टोटल मैंने साइकिल राइडिंग की है 65 किलोमीटर। तो थैंक यू फ्रेंड, गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख हुई है 5 और यहाँ से हरिद्वार बाकी रह गया है मेरा 75 किलोमीटर। नागराज शिव मंदिर और काफ़ी अच्छा मंदिर था, मुझे महाराज जी ने अंदर से घूम दे दिया था। और एग्जैक्टली ये सामने जो
रामपुर पुलिस चौकी उसके सामने ही है, और ये रास्ता जाएगा सीधा हरिद्वार की तरफ। और अभी समय हुआ है 5:30, तो आज कुछ भी हो जाए मुझे हरिद्वार पहुंचना ये नाइट लेट तक। अभी मैं निकल पड़ा हूँ रुड़की की तरफ, रुड़की से आएगा हरिद्वार, और यहाँ से हरिद्वार की बॉर्डर है 24 किलोमीटर। तो अभी मैं और मेरी सिविलरी दोनों फ्रेश, और कल तो मतलब इलेक्शन की वजह से हमें इतना सामना करना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे कोई हमें रास्ता, मतलब सब जगह दुकानें बंद, होटलें बंद कुछ, और पब्लिक सब रोड पे, और यूपी में इलेक्शन का मतलब बहुत ही गर्म मामला। यूपी में इलेक्शन मतलब हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो आसपास का एरिया बंद होता है, पर यहाँ तो पूरा एरिया ही बंद होता है, कुछ शुरू ही नहीं होता, पूरे मतलब जितना पूरा कस्बा बोलते हैं, यहाँ पे कस्बा बोलते हैं, कोई नगर बोलता है, मतलब पूरा बंद ही बंद। तो अब सोचा मेरी क्या हालत होगी वहाँ पर, और इतना मतलब मैं वहाँ से साइकिल लेके निकला, पब्लिक सब रोड पे घूम रही है, बस खाली दुकानें बंद, होटलें बंद, सब कुछ बंद। तो मैं वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाया, मैं वीडियो बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। तो फिर नाइट में लेट मुझे 8 बजे रूम मिला, मतलब रात को 8 बजे मुझे स्टे करने के लिए मिला मंदिर। तो मंदिर में फिर मैंने नाइट में होल्ड किया, और थैंक्स गॉड, गॉड गिफ्ट, अच्छा मस्त मतलब मुझे जगह मिल गई। मतलब मैं कहाँ से कम 10 किलोमीटर से रहने के लिए ढूंढ रहा था, मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। तो कल का दिन वैसे अच्छा रहा, बट थोड़ा बंद के हिसाब से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट दैट्स ऑल क्लियर हो गई थी, क्योंकि माधव मेरे साथ थे और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आ गया खुश करने वाला वार्ड, हरिद्वार 72 और केदारनाथ 309 किलोमीटर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है जब बोर्ड देखता हूँ और उसमें जब किलोमीटर लिखे हुए आते हैं कि भाई इतना बाकी रहा, मैंने इतना काट लिया, मैंने इतना क्रॉस कर लिया, बहुत ही काफ़ी अच्छी खुशी होती है। ऋषिकेश 101, रुद्रप्रयाग 239, बद्रीनाथ 347, और भारत का प्रथम गांव 396, सुपर, बहुत ही अच्छा। वेलकम टू उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है, और मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड में, और अभी का जो समय हुआ है 8:30। मेरा जो सपना था उत्तराखंड आने का, उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा शुरू करने का, वो यहाँ से होता है शुरू, और मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड में। थैंक यू फॉर सपोर्ट, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, और मैं आ गया हूँ अभी उत्तराखंड में। तो गाइस चलते हम आगे की ओर, और यहाँ से हरिद्वार है 54 किलोमीटर, जो आज मैं शाम तक कवर कर लूँगा, या हो सके तो दोपहर तक भी मैं कवर कर लूँगा। धन्यवाद। फाइनली मैं आ गया हूँ हरिद्वार के इस बाज़ार में, और बाज़ार में है थोड़ा ट्रैफिक, क्योंकि आज है पूनम, और पूनम की वजह से होने से आज काफ़ी भीड़ होगी, और मैं अपने आप को गुड लक महसूस करता हूँ, बिकॉज आज पूनम के दिन में हरिद्वार में आया, और एंड थैंक सपोर्ट माय सिविल एरी, इसने मुझे अहमदाबाद से हरिद्वार तक इतना सपोर्ट किया, और आगे भी मुझे इसका सपोर्ट हमेशा रहेगा। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ स्वामी श्री हरिगिरी संन्यास आश्रम, और मेरा होल्ड यहाँ 3 दिन तक का होल्ड यहीं रहेगा, और मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, और आज 12:30 बजे मैं यहाँ पर आश्रम में टच हो गया था, और यहाँ पे गुजरात से, अहमदाबाद से कुछ आए हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता सप्ताह ज्ञान यज्ञ भी रखा गया, और यहाँ पर हर बार कथा पूजा हमेशा रखते ही है, और ये काफ़ी बड़ा आश्रम है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देख सकते हो, तो ये यहाँ का आश्रम है, और यहाँ पे रूम दिए हुए हैं, और जो अहमदाबाद से जो लोग आए हैं पूजा के लिए, मतलब यहाँ पे जिनकी कथा रखी हुई है, तो वो सब यहाँ पर रुकने वाले हैं। और आपको दिखा दूँ, ज़रा अंधेरा है यहाँ पर थोड़ा, समाज से कुछ ना कुछ आते हैं और यहाँ पे कथा रखते हैं, पूजा रखते हैं, और काफ़ी बड़ा ये आश्रम है, और इस आश्रम में हमारे समाज से बहुत ही बड़ा योगदान है, काफ़ी जो यहाँ के जो रूम है हमारे समाज के द्वारा बनाए हुए हैं, उनकी वजह से आज मुझे यहाँ पर आश्रम में अच्छी सुविधा भी मिली है, और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर सेवा का लाभ मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इतने सारे यहाँ पर रूम है, तो आप जब भी यहाँ पर आओ तो
इस आश्रम की मुलाकात जरूर लें। श्री आम्बेश्वर महादेव मंदिर, तो इस आश्रम के अंदर शिव जी का मंदिर है आम्बेश्वर महादेव, जो सिरोही में भी, जो राजस्थान के सिरोही में भी एक आम्बेश्वर महादेव जी का मंदिर है और एक मंदिर यहाँ पर भी बनाया हुआ है। मंदिर बंद है तो मैं आपको, देखो कितना अच्छा शिवलिंग को सजाया हुआ है फूलों से। तो ये है आम्बेश्वर महादेव जी का मंदिर। आप देख सकते हो महाराज श्री जी की मूर्ति। यहाँ पर 100 से ज्यादा रूम बनाए हुए हैं, उसमें कुछ रूम ऐसे हैं जो हमारे समाज के द्वारा बनाए हुए हैं, जो काफी समाज में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है उनके द्वारा रूम बनाए हुए हैं। और जो भी यहाँ पर आते हैं वो तो हमेशा यहाँ पर भी हमारी पूजा कथा रखी जाती है। तो ये यहाँ की भोजनशाला है, और यहाँ की अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एकदम शुद्ध खाना। और यहाँ पर सफाई इतनी ज़बरदस्त है कि आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पूरा किचन एकदम फ्रेश, मतलब पूरी सफाई, कहीं कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइए और रुकिए। और सामने ही एक घाट है, ये श्री नागर समाज हॉल है, ये हमारे समाज के द्वारा बनाया हुआ ये हॉल है। और ऐसे यहाँ पे दो हॉल है और एक और ये हॉल है, टोटल यहाँ पे दो हॉल हमारे समाज के द्वारा बना हुआ है, नागर समाज के द्वारा बनाए हुए दो हॉल है। और यहाँ तो यहाँ पे दो हॉल है और कुछ रूम है जो हमारे समाज के शिव भक्त है तो उनके द्वारा बनाए हुए है, तो ये सब सहयोग करता है जिनकी ये नामावली है और हमारे समाज के द्वारा बनाया हुआ है।